आजा। ये एक नई शुरुआत है। काश शिखर मुझे वो प्यार दे जो मुझे आज तक नहीं मिला। ओ अपना ही घर है, आजा। हो आ भाऊ, देख मेरे को वो प्रॉपर्टी मांगता है, तू देख ले। पता नहीं कुछ कुछ बहुत अजीब अजीब हो रहा है यहाँ पे। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये नल चालू था, मैं यहाँ पे आई तो पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ बताना चाहता है मुझे। डिप्रेशन की दवाइयाँ ली तुमने? बोली तो नहीं। तुम्हें लगता है ये मेरे दिमाग का वहम है? चेतन मैं पागल? नया नाटक शुरू मत कर तू। इस घर को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की मैंने, समझी तू? एक साल से ज्यादा की मेहनत है मेरी। अपना घर बसा, संसार बसा, समझी? समझी कि नहीं तू?
निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो इस त्योहारी सीजन डॉक्टर से बात की तू? दोबारा कब बुलाया? कह रही थी नया घर है, नई जगह है, नए लोग हैं, तो कुछ दिन देख लो कैसा लग रहा है, इसलिए 2 हफ्ते बाद बुलाया है। डॉक्टर है ज्योतिष, क्या भविष्यवाणी है? नया घर है, तेरा डिप्रेशन चला जाएगा, पैसा वेस्ट। जी पड़ोसी होने का घिसा पिटा एक्सक्यूज। चीनी चाहिए या दूध? आपके पास और कुछ नहीं है? जी किचन में, मेरा मतलब किचन में और कुछ नहीं है? किचन में तो बहुत कुछ है, पर फिल्मों में तो दूध या चीनी ही मांगते हैं। अब देखिए, आपने फिल्मों की बात की है तो ये जिस तरह से आपकी जुल्फें ऐसे जो गिरी ना, वो भी तो फिल्मों में ही देखने मिलता है। कौन आया है? एक मिनट में। पड़ोसी है। इतने रात को क्यों आया है? चीनी मांग रहे हैं। मैंने कब कहा कि मुझे चीनी चाहिए? तो फिर क्या चाहिए? चलिए अब ले ही आई है तो अभी चीनी के साथ काम चला लेता हूं। मीठी है? चीनी है। हाँ उसी के साथ ही खाना खा ले। तोड़ दे। सॉरी। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? क्या चाहिए तुम्हें? चीनी तो नहीं चाहिए।
तो अभी हंस रही थी। क्यों हंस नहीं सकते क्या? नहीं नहीं ठीक है, नए नए मॉल का असर हो गया ना। मतलब? मतलब ये कि तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। ज्यादा ना स्मार्ट मत बन, डॉक्टर का बोल के डॉक्टर के ना जाना, मुझे सीधे मुंह जवाब ना देना, ए सगड़ा नाटक ना पाएजे, समझ ला? उठा। खूबसूरत आंखें धोखा दे रही हैं, क्या छुपाना चाहती हो मुझसे? कुछ अरमान है जो यहां छुपे हुए हैं, पर तुम नहीं समझोगे। रात में 3 बजे इतने रात को इधर घूम रही है अंधेरे में, ये टीवी ऑन कर रखा है तूने? नींद नहीं आ रही है ना, तो नींद की गोली लेके सो जा। नहीं चैतन्य, यहाँ पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस घर में हमारे साथ कोई रह रहा है। घड़ी घड़ी बहते पानी की आवाजें, और कभी ऐसा लगता है जैसे कि कोई घुट घुट के मर रहा है। तुझे कब अकल आएगी? अपने दिमाग को काबू में रख, सो जा और मुझे भी सोने दे। चल चल। ओह गुड मॉर्निंग, तुम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हो। सॉरी। नो प्रॉब्लम। तुम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हो? अरे आपसे कई सालों पहले से मैं यहाँ रहता हूँ मैडम। इस एरिया से बड़ी पुरानी रिलेशनशिप है मेरी। वो नारियल का पेड़ देख रही हैं? वो लंबा वाला, वहां बस ऊपर पहुंच ही गया था मैं और गिर गया। लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो गया था मेरा, और वो उस बेंच पर बैठे बैठे तो पता नहीं कितनी लड़कियों को रोमांटिक सपने दिखाए थे मैंने। वैसे कुछ तो है आपकी आंखों में। अच्छा आप होंगे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। दरवाजा तो आप ही ने खोला था। कौन सा दरवाजा? अरे आपके घर का दरवाजा, और कहाँ का? वो चीनी दी थी ना आपने, याद है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। जान पहचान तो कल रात को हो गई थी हमारी, आप चीनी लाई थी, वो मीठी थी। हाँ मगर नाम तो नहीं पता ना। नाम अमर है। वैसे हर मिशन में कामयाब हो ही जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? अरे सुनिए तो,
चल तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, डॉक्टर को बोला है मैंने कि तू उसे मिलने आएगी आज। वो मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, बाई आने वाली है ना, तो उससे बात करके। तेरी मर्जी है। ऐसा लग रही जैसे कि कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ बताना चाहता है मुझे। ना नाटक शुरू मत कर तू। मैं बच्ची थी ना तब से यहाँ काम कर रही हूँ। ओह, तो आप इन लोगों को जानते हैं जो यहाँ रहते थे? हाँ जानती हूँ ना, नहीं जानती थी। मतलब क्या हुआ? आई बाबा अनिभाऊ कब अचानक से गायब हो गए। वो वकील बोला फॉरेन में सेटल हो गए, तब से ये दरवाजा बंद ही है, पर मुझे तो बताया भी नहीं। लेकिन ना ये घर कॉलोनी का नंबर वन घर था, रोज पार्टी, और भाऊ एक नंबर का शरारती। आएगा हे फोटो, ये साथ में लेकर नहीं गए? ये फोटो तो यही थी जब हम लोग यहाँ आए, तुम्हें लोगों को जानती हो? हाँ जानती हूँ ना, ये आई और ये आई बाबा का शादी का फोटो। अरे मैडम आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं हूँ ना, आपका सब काम करूँगी। हाँ ठीक है, तुम कल से आ जाना, छुट्टी मत करना, जॉब पे जाती हूँ मैं। ये तो मैडम। हाँ डॉक्टर, बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, डरावनी, नामुमकिन सी चीजें हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे नए घर की हर चीज जिंदा है, जैसे कि मैं किसी और की यादें जी रही हूँ, महसूस कर रही हूँ अपने मन में। वो इसीलिए विद्या, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या भुलाने की कोशिश कर रही हो। जी डॉक्टर, मगर इतना अजीब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी और की नजरों से दुनिया देख रही हूँ, किसी और के जख्मों का दर्द महसूस कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे मारना चाहता है, या फिर शायद मार ही चुका है। तुम्हें चेंज से प्रॉब्लम हो रही है विद्या, और इसीलिए तुम्हारा मन उस चेंज को ना मानने के नए नए बहाने ढूंढ रहा है। जी देखिए।
तुम यहाँ भी? अब गवर्नमेंट ने बकायदा बेंचेस लगवाई है मैडम, इट्स अ पब्लिक प्लेस, कोई कहीं भी बैठ सकता है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें हंसाना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चले जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ। विद्या। विद्या? वो पड़ोसी हो ना, तो नाम का पता लग जाता है। बैठो ना, हम दोनों बैठते हैं, तुम भी बैठो, मैं भी बैठता हूँ, बात करना जरूरी नहीं है। लेकिन उधर होके बैठो। कमाल है। कच्ची डोरियों 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 से मैंनो तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। कभी कभी बात करने से मन हल्का हो जाता है। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी, चेतनिया को बच्चा भी चाहिए था और पैसा भी। हम लोग कभी कोई काम साथ में नहीं करते थे, पैसा आता गया और चेतनिया का गुस्सा बढ़ता गया। और पता भी नहीं चला कब उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। उस दिन 28 जुलाई सुबह का वक्त था, मैं चेतनिया के ऑफिस उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देने गई। मैं बहुत खुश थी, उसके स्टाफ ने मुझे रोका भी अंदर जाने से, कहा कि किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, पर मैं इतनी खुश थी कि भूल गई कि चेतनिया का गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। अगर वो ना माने ना तो उसको बोल के गाड़ दूंगा। गाड़ दूंगा? ए, इसको अंदर किसने आने दिया? नहीं, मैं तो पूछ के आना। भूल नहीं सकती वो दिन, अब बदल गया। 28 जुलाई मुझे पता है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। उसके आने का पता नहीं चला, पर जाना महसूस कर सकती हूं। तुम्हारे पति? उन्हें पता है? नहीं, अभी तक तो वो पहुंचे नहीं। तो आप प्लीज उन्हें नहीं बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि वो 2 महीने के लिए बाप बने थे और अपने ही हाथों अट्ठाईस जुलाई मेरे लिए भी बड़ा अहम दिन था। मेरी भी जिंदगी बदल गई थी, या फिर कह सकते हैं कि जिंदगी रुक सी गई थी। शायद इसीलिए तुम और मैं मिले, क्योंकि शायद एक ही पल एक ही घड़ी में हम दोनों की जिंदगियां तोड़ दी गई थी। मेरी तो सबसे कीमती चीज खो दी मैंने। मैंने भी शायद इसीलिए
आज तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के उसी उसी कुछ पलों को जीना चाहता हूँ। चल रहा है क्या ये सब ढोंगबाजे क्यों? मतलब 6 साल हो गए हमारी शादी को, ये बाल, ये लिपस्टिक पिपस्टिक मेरे लिए तो नहीं किया, किसके लिए कर रही है सब? हुँ? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तेरे राधे ना बदल गए हैं, ये सब बंद कर दे, समझ ला का? हाँ? सेट हो? नहीं तो कहाँ है वो खड़ूस? कहाँ है वो खड़ूस बताओ मुझे, आज उससे मैं बदला लेकर ही रहूंगा। किस बात का? अरे वैसे लिस्ट काफी लंबी है, फिलहाल तुम्हारे दिल को दुखाने का बदला। तुम इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हो, अपनी जिंदगी कब जीते हो? अगले दिन। कहीं तुम्हें कुछ अलग इक्वेशन तो नहीं दिखाई दे रहा ना? कौन सा इक्वेशन? अब दिख ही नहीं रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारी नजरें मुझे देख पाती है विद्या, वो भी इस तरह की, मुझे लगता है मैं भी किसी लायक हूं। मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हो तुम, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। वैसे तो वो सलमान भाई की फिल्मों में सुना था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। सॉरी ज्यादा बोल गया, क्या करूं आदत है कभी कभी। बड़ी खुश दिख रही है तू। हाँ ऐसे ही, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट थी ना, तुम आ गई नहीं? भूल गई। और क्या क्या भूल गई तू? और
हैप्पी एनिवर्सरी। अब एनिवर्सरी है तो मानने तो पड़ेगी। चेतनिया प्लीज, साल हो गया हमारी शादी को। ये बाल, ये लिपस्टिक पिपस्टिक मेरे लिए तो नहीं किया, किसके लिए कर रही है सब? मुझे लगता है कि तेरे इरादे ना बदल गए हैं। बुरा मत मानना विद्या, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा पतिव्रता ने निभा चुकी हो? मंजे मतलब? मतलब ये कि किस लिए साथ हो उसके? क्या देता है तुम्हें? घटिया बात करता है, हाथ उठाता है तुम पर। और एक बात समझ लो विद्या, अगर उसने तुम्हें फिजिकली नहीं ना तो इमोशनली मार दिया है। अब और कुछ सहने को बाकी है? वो हमेशा ऐसा नहीं था, है ना? यही कहना चाहती हो ना? तुम अंधी हो चुकी हो, सोचते सोचते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कब अंत आ जाता है ना हमें पता भी नहीं चलता विद्या, इसलिए उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो, इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार डाले। मुझे भी मतलब? अरे मतलब तुम्हारे बच्चे को तो। मतलब तुम्हारे बच्चे को तो मार ही दिया ना उसने। मैंने तुम्हें पता है, मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई, क्योंकि पता नहीं कौन कब ए, इतनी रात को तू कहां से आ रही है? मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए? तू होश में तो है? संभल जा वरना। वरना क्या, मुझे बिगाड़ दोगे? क्या हुआ था 28 को? एक छोटा सा एक्सीडेंट के लिए हॉस्पिटल गई, बाहर आया तो डिप्रेस्ड, ये नींद की गोलियां और ये आपके ये महंगे महंगे सेशंस, वो ठीक भी तो नहीं हो रही है। आपको कैसे पता कि वो ठीक नहीं हो रही है? मुझे सब पता है, आपका हाथ उठता है उस पर। जास्त बोलू नको, आपके महंगे सेशंस का पेमेंट ना मैं कर रहा हूँ। मिस्टर चैतन्य, मुझे मत धमकाइए। 28 जुलाई को जो भी हुआ था वो सिर्फ विद्या ही आपको बता सकती है। पता है मुझे। तुम्हें? तुम चैतन्य को जानते हो? हाँ, मतलब किसी जमाने में पाला पड़ा था उससे। डर सा लगने लग गया उससे। मैंने उसे बोल दिया है कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूं। बिल्कुल सही किया तुमने। मैं भी जिंदगी जीना चाहती हूं, खुल के हंसना चाहती हूं। सुनो, क्या हम अलग से अपनी एक दुनिया बना सकते हैं? एक मिनट, I'm sorry, लेकिन मैंने तुमसे कब कहा कि मैं और तुम
हम बन सकते हैं। मतलब देखो, मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम खुश रहो, और मैं यही चाहता था कि तुम उस चैतन्य को छोड़ दो, और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ट्रस्ट मी, अब तुम खुश रहोगी, इसी में सबकी भलाई है। अमर, अमर के पास वक्त बहुत कम है। अमर, अमर को क्या हुआ? वो ठीक तो है? अमर बहुत तकलीफ में है। तुमने उसे जगा दिया है। अब वो सो नहीं पा रहा है। ओह, वो मैं बहुत जोर से डांस कर रही थी। लेकिन आप लोग तो दूसरे विंग में रहते हैं ना? हम लोग ठीक तुम्हारे नीचे रहते हैं। सॉरी, कम कर देती हूँ। लेकिन हम तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। साथ काम चला लेता हूं। मीठी है, मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हो तुम। सिर्फ तुम्हारी नजरें मुझे देख पाती है विद्या। तुम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हो। अरे ठीक है, तुम उधर होके बैठो। तो इस वक्त सिर्फ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। हाँ। और चैतन्य? खून कर दिया उसने मेरा। मैंने उसकी चोरी जो पकड़ ली थी, और उसका गुस्सा तो तुम जानती हो। मतलब उस दिन 28 जुलाई को तुम और मेरा बच्चा दोनों साथ में कितना अजीब रिश्ता है ना ये। तुम इस दुनिया के भी नहीं हो, फिर भी मेरी दुनिया हो। आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं विद्या। जिस तरह तुमने मुझे उस स्टोर रूम से आजाद किया, आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और हमारी आजादी की वजह से हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
तुम अब सब कुछ हो मेरे लिए। तुमने मेरे अंदर की तड़प थी नफरत पर जैसे जैसे फुल स्टॉप लगा दिया। तुम सीरियस बातें करते हो तो कितने अजीब लगते हो। तुम फिर कभी मिलोगे? किसी जन्म में तो तुम मेरी होगी।